वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल में सब ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ही रहे। मम्मी हेलो, मम्मी हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं मेरे पीछे? तो जी हम लोग हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं आज रामपुर, और मैं, मम्मी, पापा भी जाने वाले थे लेकिन पापा को फिर कुछ काम है, पापा नहीं जा रहे हैं। मेरे सास ससुर जा रहे हैं, सास ससुर, मम्मी और मैं, हम चार लोग जा रहे हैं। तो काम तो बहुत सारे होते हैं जब मार्केट जाते हैं, लेकिन सबसे पहला काम है दवाई लानी है। मम्मी की दवाई भी ख़त्म हो गई है जो मम्मी ने तेंजन से ली थी, और मेरी दवाई भी ख़त्म हो गई है। तो मम्मी ने मुझे बोला कि चल तू भी चल और तेरी दवाई भी लेकर आते हैं, क्योंकि आज मुझे, लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वो हो रही है। अगर मैं लेट रही हूँ ना, इसमें डाल दो, तो मुझे ठीक लग रहा है। अगर मैं खड़ी हो रही हूँ तो मुझे लग रहा है अभी गिर जाऊँगी, अभी चक्कर आ जाएगा, मतलब अजीब सी तबीयत ख़राब हो रही है। तो बस अब हम निकलेंगे, सब तैयार हो गए हैं, और सास ससुर को करनी है शॉपिंग क्योंकि शादी है। हाँ, पापा की धर्म बहन है, उनके यहाँ शादी है अभी 2-4 दिन बाद, तो उसकी शॉपिंग करनी है। लाडू लगा रहे हैं आप ऐसी गर्मी में? पीछे ही होगा मम्मी का, नीचे जो इतने सारे उसमें सब लगा लो। तो बस रेडी हो गई हूँ और ये मैंने सूट पहन लिया, ये वाला। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये कहाँ से लिया है, तो ये वाला सूट जो है ना, ये जयपुर से आया है, जयपुर से मंगवाया है मैंने ये जयपुर में, और ये 6060 कॉटन का है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो मुझे याद आया आज मैंने पहना है, जब मैंने माइके वाले व्लॉग में पहना था ना, तो बहुत कमेंट थे कि मोनिका ये सूट कहाँ से लिया बताना, तो ये मैंने जयपुर से ही लिया है, मंगवाया तो ऑनलाइन ही है। चलो 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 फिर हम चलते हैं और पहुँचते हैं। हाँ जी पापा, हाँ हाँ निकल रहे हैं हम भी। क्या शीशा? अच्छा ठीक है, पापा बोल रहे हैं कि अंधेरा वो मत लाइयो, लाइट कलर लाऊं जिसमें गोरे दिखे। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट, और ये है बीच बाज़ार में सत्यनारायण का मंदिर। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ, और मैं हूँ दवाइयों की दुकान में। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट किया, उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताऊँगी घर जाके। आज मेरे साथ, मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और हम लोग गए थे बहुत लेट बाज़ार से घर, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर शूट किया, बाकी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और शॉपिंग भी हमने की है ढेर सारी, क्या क्या की है वो भी मैं आपको बताऊँगी घर पे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं घर वापस, तो यहाँ ऊपर आने वाली है गाड़ी, और मेरे से आगे जो है वो राशन वाले भैया जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो बस इनके पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। तो चलिए पहले पहुँचते हैं घर, फिर बात करती हूँ। हमारी गुड़िया रानी जो भी सो चुकी है, और टाइम देखिए 9:47 हो रहे हैं, और मैं आपसे अभी मिल रही हूँ। सुबह का मैंने खुशी खुशी वीडियो स्टार्ट किया था, और 9:45 मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज पता क्या हुआ, मैं आज मार्केट गई, जैसा मैं आपको बता रही थी कि सुबह मेरी तबीयत जो है वो ढीली ढीली सी है, और मम्मी ने बोला दवाई ले लियो चल पढ़, मैं मना ही कर रही थी, लेकिन काम भी ज़रूरी था तो मुझे मम्मी के साथ जाना पड़ा, सासू माँ ससुर जी सब थे। और जैसे हम मार्केट पहुंचे ना, मुझे लग रहा था कि मैं, मतलब खड़ी नहीं हो पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी में वीकनेस सी होती है ना, ऐसे लग रहा था बस मैं लेट जाऊं, मैं चल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा वो हो रही थी। तो मम्मी पापा भी बोल रहे थे क्या हो रहा है, मैंने कहा पता नहीं मुझे वीकनेस सी लग रही है, तो उन्होंने बोला खा ले शायद लंच टाइम हो गया तब तुझे लग रहा है, मैंने बोला नहीं मुझे सुबह से हो रहा है ऐसा, रात से ही हो रहा है इनफैक्ट। तो फिर मम्मी जब दवाई लेने लगे ना, और मम्मी वगैरह दोनों मम्मियाँ जब दवाई ले रहे थे, तो वहाँ पे ना मुझे चक्कर ही आ गया था, और मेरी मतलब शक्ल देखकर पता लग रहा था कि अब जो है मैं 2 मिनट में लुढ़क जाऊँगी। उतने को वो दवाई वाली दुकान पे उन्होंने, भैया ने बोल दिया कि आपकी तबीयत कैसी हो रही, कहीं बीपी तो नहीं लो रहा है, तो उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, और मेरा बीपी इतना लो था ना, सब परेशान हो गए कि आप खड़े कैसे हो। तो मैं उनको बोल ही रही थी कि मुझे कभी भी ऐसा लग रहा है मेरे पैर जो है, घुटने जो है वो फोल्ड हो जाएंगे, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर मैं थोड़ा स्ट्रांग बन रही थी कि चलो नहीं अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं। तो आज मुझे 2-3 मेरे सब्सक्राइबर्स भी मिले, एक शॉप में, 2 शॉप में, और बाहर भी मिले, लेकिन मैं मतलब बात भी नहीं कर पाई ढंग से, क्योंकि मैं बिल्कुल ही, मेरी मतलब कंडीशन जो है वो कुछ ख़राब हो गई थी। ये तो शुक्र है मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया था जाते ही, और 1:30 मैंने खाना खा लिया था, तो उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई थी ठीक।
और जब फिर बीपी चेक किया तो उसके बाद मम्मी ने मुझे एक चॉकलेट ली और मैंने चॉकलेट खाई, थोड़ी सी खाई, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था खाने को। उसके बाद इतनी दुकानों में हम लोग गए ना, आप शूट तो खैर मैं क्या बताऊँ आपको, शूट तो मैं कुछ नहीं कर पाई लेकिन मैं खुद भी लड़खड़ा रही थी। मम्मी को सूट लेना था, पापा को कपड़े लेने थे, सास ससुर को दोनों को मतलब कपड़े लेने थे जहाँ जा रहे हैं शादी में, दुल्हन का सामान था और मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, मैं ये बोल पाई उनको कि मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मैं बस स्टैंड पहुँचूँ फिर बस पकड़ूँ। तो बस मैं ये सोच रही थी जल्दी जल्दी काम हो जाए और घर को चलें। तो बड़ी मुश्किल से मैं आज घर पहुँची और जैसे ही पहुँची ना वैसे ही मतलब इतना रिलीफ हुआ। फिर मैं लेट गई और मम्मी पापा निकल गए अपने घर, आज बोल रहे थे वो जाने को तो वो चले गए हैं और सुबह में आ जाएंगे। आज मम्मी परेशान होके ही गए हैं कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन खाना जो है वो बना था तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो मैं चली जाती हूँ, मम्मी ने आज हेल्प कर दी थी मेरे काम में। तो मम्मी चले गए, सामान में बहुत सारा लेकर आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खोला, ऐसे ही छोड़ दिया है। और आज ना मैंने ये शीशा भी लगा दिया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये शीशा लग गया है, ये टूट गया था ना तो ये जो है आज ये लेकर आ गए हैं। तो जब ये लेने वो करने गए थे ना तो मैंने पापा को ही बोला कि पापा आप जाओ, पापा गए और पापा ने ये शीशा लगवाया, ये बाहर का वही है पुराना लेकिन शीशा जो है इसे मैं फिट करवा दिया था। तो मैंने ससुर जी को बोला आप ही जाओ, मतलब मैं कंडीशन ही नहीं थी। तो ये भी आ गया है और ये आया है सामान जो कि अभी ऐसे ही है, लावण्या ने थोड़ा सा कुतर दिया है क्योंकि उसका सामान जो है वो भी इसी में था। तो इसमें आटा चावल और थोड़ा बहुत ही था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, चीनी जो जो लगता है वो सब इसमें है। और टेलर के पास काम था, टेलर से भी मैं ले आई हूँ अपना सामान और मतलब कपड़े थे वहाँ पर। तो अभी मुझे थोड़ा अच्छा लगा है क्योंकि मैंने एक चॉकलेट में खा गई, एक ये डार्क वाला ये खा गई और फिर मैंने जो है वो कॉफ़ी पी, गरम गरम घर आके खाना खाया, उसके बाद फिर जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ। और ये लड़की यहाँ पर मुझसे बात करते करते, मैं कुछ वीडियो देख रही थी उसको देखते देखते सो गई है, थक जाती है क्योंकि एग्ज़ाम्स है। सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठाती हूँ मैं, 6 बजे के करीब उठाती हूँ लेकिन फिर भी बच्चे थक जाते हैं। यहाँ पर आ गया है मम्मी का फ़ोन। हेलो, हेलो, हाँ जी मम्मी, पहुँच गए? हाँ मैं तो पहुँच गई, कहाँ कह रहे हैं तू? मैं ठीक हूँ अभी, वो आराम है? हाँ अभी आराम है थोड़ा। क्या खाया? खाया तो कुछ नहीं खाया, वही खाए चने चावल, चॉकलेट खाई और वो कॉफ़ी जो पी थी आप ही के साथ। अच्छा। फिर अभी रेस्ट ही कर रही हूँ ना, कुछ भी नहीं किया मैंने तो, किचन सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ सुबह करूँगी बस, अब सो जाऊँगी ना। नहीं मम्मी सो तो जाते हैं। अच्छा कब जैसे पहुँचे आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग। मौसम की अगर बात करें तो आज मौसम जो है कुछ ऐसा है, बादल बादल से हैं और बारिश अभी तक तो कोई आसार है नहीं, हवा चल रही है बीच बीच में। और ये रहे प्लांट्स, यहाँ से आगे। और अभी जो है वक्त हो चला है 11 बज गए आई थिंक, हाँ जी पूरे पूरे 11 बज गए हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, वॉश ठीक कर लिया। किचन में जो है मैंने अभी चढ़ाई है दाल, मतलब किचन में कुछ नहीं किया, ब्रेकफास्ट बनाया है और दाल चढ़ाई है। अगर तबीयत की बात करें तो तबीयत कल से बेहतर है, वीकनेस तो थोड़ी सी लग रही है लेकिन कल से बेहतर है। और रेस्ट किया मैंने, मैं सो गई थी। अभी जो है सुबह मैंने प्लेन परांठे ही बनाया और कुछ नहीं बनाया, और दाल चढ़ा दी है रोंगी और माश की। अभी थोड़ी देर में मम्मी पापा भी आ जाएंगे। और अभी आ गई हूँ मैं यहाँ झाड़ू लेकर, मैंने कहा चलिए, फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो स्टार्ट कर रखी है। अब मैं फटाफट से करूँगी सफाई, समेट लिया है मैंने सारा, बस थोड़ा थोड़ा जो रहता है, वो जो कपड़े धुले थे वो मैंने इस वाले रूम में रख दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि रात को आ गई थी मेरी मासी की बेटी। यहाँ पर ना गांव में टूर्नामेंट्स लगे हुए हैं तो वो मतलब तकलेज की टीम आई थी, उसके साथ वो आ गई थी। रात को 12 बजे वो आई है और अभी सुबह जल्दी जल्दी में वो निकल गई, ब्रेकफास्ट करके निकल गई।
तो मैंने शूट नहीं किया कुछ भी। तो चलिए फटाफट से अब लगते हैं अपने काम पे। और हेलो कैसे? हाँ क्यों, क्या हुआ, भूल गए? हेलो क्या भूल गए ये लॉक करना? मैं क्या पूछ रहा था, लॉक की इतनी चाबी यही रखो वो गाड़ी की? क्यों कोई? हाँ ये आगे क्या करनी है, रहने दो, यही रख दो, कहीं नहीं जाती, लाओ मेरे पास दे दो। लगभग 12:30 होगा पेपर खत्म और 3 बजे आएगी फिर। आज मौसम देखो कितना अच्छा, पानी पी ले ठंडा ठंडा, एक गिलास ठंडा देखा ठंडा पानी, फ्रिज में भी यही रखा है मैंने, बस पीती हूँ। जल्दी जैसे आना फिर चावल लगा दूंगी मैं। हमने क्या करना वहाँ? देख लो क्या बोलते हैं। ठीक है ठीक, आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में। कहाँ है? मेरे को कहाँ बोला आपने? हे भगवान, मम्मी बोल रहे हैं कि तेरे को मैंने पुदीना दिया हुआ था कल का, वो तैने निकाला ही नहीं, वो उस लिफाफे में ही है। तो यहाँ पर हो रही है सिस्टर से बात, और साथ में जो है मम्मी पापा चले गए हैं अभी आगे काम से। तो मैं यहाँ बर्तन धो रही थी, दाल मेरी हो चुकी है, साफ़ सफाई मैंने कर दी है एकदम चकाचक, और मम्मी लाए हैं ठंडा ठंडा पानी, ये रखा है क्योंकि इतना ठंडा पानी होता है ना वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है और स्वाद इतना है ना। तो अब जब भी आते जाते हैं मैं इनके पास बर्तन पकड़ा देती हूँ और ये पानी ले आते हैं। परसों भी लेकर आए थे, और आज मेरी शक्ल कैसी लग रही है ना, फीकी फीकी से। तो ऐसी ऐसी बात है। अब टाइम जो है अभी 12:30 का हो रहा है, बस अब मैं फटाफट से बर्तन धोती हूँ और उसके बाद जो है मैं तड़का लगाऊंगी दाल। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मुझे लगा ये बर्तनों का जो ढेर है इसे मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब तक किचन में सिंक में बर्तन रहते हैं ना तब तक कोई भी काम जो है वो कंप्लीट नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा इसी काम को मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दाल में लगाऊंगी तड़का। झाड़ू पोछा सारा हो चुका है और उसके बाद मम्मी जो है आपने देख लिया, वो भी चले गए हैं। कहाँ गए हैं वो मैं आपको जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आजकल आप मेरे व्लॉग में देख रहे हैं, मम्मी पापा जो है मेरे साथ ही रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं वो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, जल्दी ही बताऊँगी आपको, 1-2 वीडियो के बाद या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो कल शाम को वो चले गए थे घर जैसा मैंने आपको बताया था, और अभी वो आ गए हैं और बस अभी वो अपने काम से गए हैं। मुझे लगा चलिए मैं तब तक खाना बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर लावण्या जो है उसको लेने तो मैं नहीं जाती हूँ, वो वहीं से सीधे ट्यूशन चली जाती है आजकल, लेकिन लंच नहीं करती। आज मैं सोच रही थी कि उसको मैं लंच लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मैं लेट ही हो गई थी, जब मम्मी पापा आए तो मैं इनके साथ थोड़ी देर बैठ गई थी, चाय वगैरह बनाई, तो फिर टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा चलो अब वो आके खा लेगी, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था सुबह में नहीं ले जाती है, ठंडा हो जाता है खाना, क्योंकि 12:30 तक पेपर होता है, उसके बाद ट्यूशन होती है, तो फिर बस फ्रूट्स ले जाती है और आके खाना खा लेती है। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है मैं बर्तन धो लूँगी, उसके बाद लगा रही हूँ यहाँ पर मैं तड़का, और सिंपल सा तड़का है बस, वही जैसा रहता है आजकल। तो बिल्कुल जब से पापा मम्मी आए हैं नमक वगैरह बिल्कुल कम है, नमक और मिर्च तो मैं डाल ही नहीं रही हूँ। तो बस ये देखिए, ये है रोंगी और माश की दाल, उड़द और शायद मोठ बोलते हैं इसको, मुझे नहीं मालूम, रोंगी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पर ना बर्तन धुल कर रखे थे, ये बार बार सिंक में गिर रहे थे क्योंकि ये बास्केट छोटी सी है ना, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर साथ के साथ तड़का लगा रही हूँ और बाकी के काम जो है वो भी होते रहते हैं। और सिस्टर से बात हो रही है, बहुत दिनों के बाद सिस्टर से बात हो रही है छोटे बेबी के लिए, बहुत लोग पूछ रहे थे। अभी वो ठीक है, मतलब रिकवरी उसकी हो रही है, एकदम से रिकवर तो नहीं हुआ है, वीकनेस है लेकिन अच्छा है, ठीक है, मतलब अब उसको दोबारा फीवर वगैरह नहीं हुआ। तो चलिए खाना बनाऊँगी, उसके बाद लंच वंच करेंगे, और वीडियो को मैंने यहीं एंड किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे दाल चावल तैयार है, आप लोग आ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।